नमस्कार दोस्तों, आज 20 जून 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक आप 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5paisa का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें, जहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा और वहां पे ये सब जानकारियां आपको दी जाएंगी। ऑल्सो हमारा एक न्यूली रीलॉन्च और रीपैकेज मेंटरिंग प्रोग्राम है, जहां हफ्ते में 3 दिन हम 2-2 घंटे आपके साथ लाइव मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वगैरह पे गाइडेंस देते हैं। उसमें इंटरेस्टेड हो तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें। आज जो है निफ्टी कल की ही रेंज में रहा, तो अगर आप यहाँ देखें तो कल की डेली बार और आज की डेली बार में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और आवरली पे अगर हम जाएं तो बहुत एक नैरो रेंज किस्म का डे बन रहा है। अब इस तरह का के जो डेज थे वो आपको ऊपर यहाँ भी नजर आ रहे होंगे, यहाँ भी बाजार एक नैरो रेंज में था और फाइनली आपको बहुत बढ़िया ये ट्रेंड डे मिला था। अब इतने जबरदस्त डाउन ट्रेंड में जो मोस्ट लाइकली टाइप का सिनारियो है वो ये है कि आप गैप अप हो और गैप अप हो के ऐसे नीचे आए और 15,000 तोड़ दें। एक अनलाइकली सिनारियो ये है कि आप यहाँ 15,400 के ऊपर खुले, कंसोलिडेट करें और ऊपर चले जाए। तो मैं तो फिलहाल इसी सिनारियो पर बेट करूंगा कि मार्केट में जो है डाउन साइड वापस शुरू हो जाएगी। यहाँ अगर आप स्टोकास्टिक भी देखें तो ये जो है पुल बैक फॉर्मेट में ये वापस ऊपर चला गया है और जितनी बारी स्टोकास्टिक ऊपर जाता है तो वहां पे जो आपकी रैलीज हैं वो समाप्त हो जाती हैं और बाजार फिर नया लो बनाता है। लेकिन 15,200 to 15,400 का जोन है, 15,400 के ऊपर बाय ना करें क्योंकि तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे एक ट्रैप सेटअप किया जा रहा हो। अब अगर हम बैंक निफ्टी पे देखें तो बैंक निफ्टी पे भी इसी तरह का एक जैसे नैरो रेंज ये बनी थी वैसे ही एक नैरो रेंज और यहां बन रही है। तो इस नैरो रेंज का जो है ब्रेकडाउन आपको बैंक निफ्टी पे भी एंटिसिपेट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर कल किसी तरह का गैप अप हो तो उसमें ये देखने की कोशिश करें कि ये क्या फेल होके वापस नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ऊपर जाना अनलाइकली लगता है, क्योंकि बेसिकली आप एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड्स में कंसोलिडेशन के बाद वापस नीचे की तरफ बाजार जाते हैं। अगर
मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू कर गए और मे भी 2 घंटे तक इन लेवल 32,800 के ऊपर रहे, तो मे भी आपको एक थोड़ी सी बड़ी रैली मिल सकती है। लेकिन 33,000 के बहुत ऊपर जाना इमीडिएटली अनलाइकली लगता है। यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ बहुत क्लियर है कि 15,500 पे बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग है। तो 15,500 एक ऐसी दीवार है जिसके पास जाना अनलाइकली है, और यहाँ 15,500 पे पुट राइटिंग है, तो 15,000 15,500 एक आपकी रेंज बनती है। लेकिन देखने की बात ये है कि कॉल राइटर आगे बढ़ रहा है, 15,400 पे भी आ गया है, 300 पे भी आ गया है और 200 पर भी है। लेकिन पुट राइटर बहुत ज़्यादा 15,500 से आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। इसके चलते अब यहाँ पे चेंज इन ओआई अगर आप देखें तो 15,500 पे मैक्सिमम कॉल राइटर की एडिशन हुई है, पुट राइटिंग 15,200 और 15,000 पे ही है। तो ऊपर की तरफ प्रेशर जो है वो ज़्यादा बन रहा है, तो अपसाइड में मेरे हिसाब से 100 पॉइंट से ज़्यादा आपको मिलने थोड़े से मुश्किल रहेंगे, क्योंकि ऐसे कोई ट्रिगर्स नहीं है। अगर मान लीजिए डाउ फ्यूचर ऊपर भी होते हैं कल, तो ड्यूरिंग द डे वो नीचे आ जाते हैं, तो ऐसा कोई सस्टेन्ड ट्रिगर नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे बैंक निफ्टी पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें 33,000 पे बहुत मैसिव ओपन इंटरेस्ट है, और कांस्टेंट कॉल राइटिंग आपको 32,800 पे, 32,700 पे, 600 पे मिल रही है। लेकिन अपर लेवल्स पे पुट राइटिंग कमज़ोर है, तो बेसिकली 32,500 के अगर हम नीचे रहते हैं तो बहुत तेज़ी से हम 32,000 तक चले जाएंगे। अगर चेंज इन ओआई देखें तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि कॉल राइटर डोमिनेट कर रहा है, और 32,600 700 800 पे आज कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमज़ोर सिचुएशन नज़र आ रही है। तो मेरे हिसाब से कल अगर आपको गैप अप भी मिलता है तो बहुत ज़्यादा सस्टेन होना मुश्किल होगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के लिए भी आपको कुछ जो है ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर नहीं है। हमने देखा आज क्रूड ऑयल नीचे आया, बट वो भी जो है वहाँ रिसेशन का ज़्यादा अंदेशा हो रहा है, बजाय इसके कि किसी सप्लाई डिमांड फैक्टर की वजह से वो नीचे आ रहा है। मेटल्स में देखें बहुत शार्प गिरावट आई है, अगेन रिसेशन प्लेज हैं। अगर रिसेशन की हवा रहेगी तो आप सस्टेन रैली बाजारों में नहीं देख सकते, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब जो है मोटे तौर पे आपका स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए, 33,000 जो है बैंक निफ्टी पे और 15,500 निफ्टी पे आपके ऐसे लेवल्स हैं जिसके ऊपर आप जो है अपने शॉर्ट साइड की पोजीशंस को काटने की कोशिश करेंगे, और तब तक आपको ये देखना पड़ेगा कि बाजार किस तरह का प्राइस एक्शन और डेटा किस तरह से फॉर्म होता है। आज भले ही मार्केट ऊपर गई है लेकिन डेटा जो है काफ़ी नेगेटिव फॉर्म हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपका कल का दिन अच्छा जाए। टेक केयर। ये प्रेजेंटेशन आज तक 5paisa.com के सौजन्य से आई। गुड लक एंड गुड नाइट।